इमेजिन करो कि आप रहते हो कोलकाता में और आपको एक डॉक्यूमेंट अभी आज ही साइन करके देना है दिल्ली में। ऐसे में आप क्या करोगे? आप फ्लाइट का टिकट करके दिल्ली जाओगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेवल करके जाओ। अगर किसी कंपनी के साथ आपको कोई सिग्नेचर करना है किसी डॉक्यूमेंट पे, तो उसको आप डिजिटली भी कर सकते हो, जिसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और आज की इस वीडियो में इसकी सिक्योरिटी, इसकी वॉकिंग वगैरह वगैरह समझने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। वेल गाइस, तो डिजिटल सिग्नेचर को समझे इससे पहले, यार आपको तो पता ही है, बोल के टाइम वेस्ट करना सही नहीं लगता मुझे कि लाइक शेयर करना, और इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, ये तो आपको पता ही है। नाउ बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है दिल्ली में और आप हो कोलकाता में, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था। नाउ डेफिनेटली आप उसको डिजिटली भी साइन कर सकते हो यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इनहेरिट करता है आपके फिजिकल सिग्नेचर के सारे प्रॉपर्टीज़ को, और आपको प्रोवाइड करता है प्रॉपर लेवल का सिक्योरिटी, ताकि आपका जो सिग्नेचर है वो कॉपी ना हो पाए। और यहाँ पर ऑथेंटिसिटी जो इम्पॉर्टेंट है एक सिग्नेचर में, वो टिका हुआ रहे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपने टाइप कर दिया एंड वो साइन हो गया, ऐसा नहीं है। इसको भी लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर इज़ ए वेरी क्रूशल कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना चाहिए, और ये आपको बहुत ही आसानी से बना सकता है प्रो लेवल का एक टेकी पर्सन, क्योंकि इसको अगर आप यूज़ करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए, तो वो एकदम प्रोफेशनली साइंड होता है और उसको कोई हैक या फिर कोई कॉपी या क्लोन नहीं कर सकता, डुप्लीकेट नहीं कर सकता, जैसे आपका फिजिकल सिग्नेचर तो हालांकि हो भी जाता है डुप्लीकेट। तो डेफिनेटली इसको अब समझते हैं कि यहाँ पे ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसको सिंपल रखता हूँ कि काम कैसे करता है। तो एक इमेजिन करो कि आपने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया। नाउ ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की, दो कीज को इनहेरिट करता है अपने में। जो प्राइवेट की है वो आपके पास रहता है, जो पब्लिक की है आपके डिजिटल सिग्नेचर का, वो ग्लोबली रहता है। नाउ यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर होता है वो हैश्ड फॉर्म में होता है, मतलब ये समझ लो एक बाइनरी नंबर जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको सिर्फ डिक्रिप्ट किया जा सकता है उस पब्लिक की या प्राइवेट की को यूज़ करके, जो कि RSA एल्गोरिदम भी इसमें यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता RSA क्या है तो आप बता सकते हो यहाँ पे कमेंट्स में, मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ करके एनक्रिप्ट किया जाता है आपके सिग्नेचर को, और वो अब आप शेयर करते हो किसी के साथ जो डॉक्यूमेंट आपने साइन किया है डिजिटली, और उसके बाद पब्लिक की को यूज करके उसको डिकोड किया जाता है। अगर वो डिकोड हो जाता है तो ही वो ऑथेंटिक माना जाएगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में ये जो आपका की होता है ये यूनिक होता है आपके लिए, ये डिकोड करने के बाद एक ही रिजल्ट आएगा, जो आपका यूनिक सिग्नेचर है वही आएगा। अगर वो नहीं आता है तो ये की फॉल्ट है या फिर कुछ और यहाँ पे हैकिंग वगैरह हुआ है, इसके वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से आपका डिजिटल सिग्नेचर जो है वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है, आप एकदम आराम से नाक में तेल दे के सो सकते हो, आपका डिजिटल सिग्नेचर हैक नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों कीज़ को यूज़ किए बिना उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, और डिक्रिप्ट अगर करके वो रिजल्ट सिमिलर नहीं आता तो वो आपका सिग्नेचर माना ही नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जैसे साइन करते हो वैसा साइन होता है, यहाँ पे एक रैंडम हैश्ड नंबर होता है जिसको अगर आप डिक्रिप्ट करते हो तो हर बार ही सेम रिजल्ट आता है, जो कि होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर का वैल्यू। तो आपके अंदर अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं अपने लिए एक डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनाऊं? तो यहाँ पे बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको डिजिटल सिग्नेचर, गवर्नमेंट बॉडीज़ भी प्रोवाइड करती है आपको यूनिक डिजिटल सिग्नेचर आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग अथॉरिटीज़ या फिर आप अपने ईमेल प्रोवाइडर से भी डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करके ले सकते हो। डोकोसाइन, ग्लोबल साइन जैसे अथॉरिटीज़ हैं जो आपको
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर देती हैं। वहाँ पे जाके आप आराम से क्रिएट कर सकते हो अपने डिजिटल सिग्नेचर को। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप ईमेल को भी यूज़ कर सकते हो। नाउ यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के कुछ लेवल्स होते हैं जिनको समझना डेफिनेटली ज़रूरी है। डिजिटल सिग्नेचर्स को डिवाइड किया गया है तीन क्लासेस में। यहाँ पे बेसिकली तीन क्लास जो हैं वो लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्लास वन जो हो गया वो एकदम यहाँ पे लो रिस्क वाले होते हैं, जहाँ पे बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे जो डिजिटल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बस आपके ईमेल या यूज़र नेम से वैलिडेट हो जाते हैं, जो कि आपने अक्सर किया ही होगा। टाइप टू जो होते हैं वो यूज़ करते हैं DSC सर्टिफिकेट्स या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को, और ये बेसिकली यूज़ होते हैं थोड़े से जहाँ पे रिस्क वाले माहौल होते हैं, वहाँ पे जैसे टैक्स फाइलिंग हो गया या फिर इनकम टैक्स रिटर्न या फिर GST हो गया या फिर आपके बैंकिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनमें आप इनको यूज़ कर सकते हो। टाइप टू डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो आपको मैच करवाना पड़ता है प्री वेरीफाइड डेटाबेस के साथ, तभी जाके वो एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा आता है हमारा क्लास थ्री, यहाँ पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है। और ये जो यूज़ होता है ये ई ऑक्शंस, ई टेंडरिंग या फिर कोर्ट फाइलिंग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर आप करते हो उसमें आपको खुद या आपके ऑर्गेनाइजेशन को खुद सामने जाके ही डिजिटल साइन करना पड़ता है या डिजिटली साइन करना पड़ता है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। चलिए तो अब एक चीज पे बात कर लेते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर होने के लिए आपके पास, क्योंकि अगर आपका कोई फायदा ही नहीं है नॉर्मल पेन पेपर से साइन करके हो रहा है तो डिजिटल सिग्नेचर आप क्यों बनाओगे। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के कुछ फायदे समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले फायदा जो होता है वो सिक्योरिटी होता है। यहाँ पे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, जो कि मैंने पहले ही कहा है। और यहाँ पे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एक पब्लिक एंड प्राइवेट कीज के साथ एनक्रिप्टेड होता है, जिसके वजह से काफ़ी सिक्योर बन जाता है। इसके अलावा टाइम स्टैम्प मिल जाता है आपको कि कब कोई डॉक्यूमेंट साइन किया गया है, ये भी आपको जानने को मिल जाता है। इसके अलावा आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो जैसा कि मैंने मेंशन किया था ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इसके अलावा टाइम सेविंग आपका होता है डिजिटल सिग्नेचर अगर आप यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने कहा यार, आपको अगर ट्रेवल करके जाना पड़े फिजिकली साइन करने के लिए तो डेट विल कंज्यूम टाइम, साथ ही आपका पैसा बचता है, कॉस्ट सेविंग यहाँ पे होता है क्योंकि ट्रेवल करने के लिए एक्सपेंसेस भी लगते हैं। और इसके अलावा पेपर एंड ऑल दिस थिंग्स यूज़ होते हैं। अगर आप एक PDF को प्रिंट करके 500 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा के 500 पेजेस का साइन कराते हो तो उसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा जाता है। यहीं पे अगर आप PDF को शेयर कर देते हो और 500 लोग साइन करके आपको भेज देते हैं तो आपका सस्ते में निपट गया। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग होता है, साथ ही इन्वायरमेंट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे आप इसको ट्रेस कर सकते हो कि किसने किया है, कब किया है, कहाँ से किया है, बेसिकली सारा रिकॉर्ड डिजिटली स्टोर्ड होता है। तो एक सिग्नेचर का पूरा काला चिट्ठा आप निकाल सकते हो उस डिजिटल सिग्नेचर का, अगर आप डिजिटली साइन करते हो तो कंप्लीट ट्रैक होता है, जो कि आपके फिजिकल सिग्नेचर में नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो डेफिनेटली एक लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करूंगा, मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो को बाय एंड सी या।